गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू विल रीड चैप्टर टू ऑफ इंग्लिश द फॉक्स एंड द ग्रेप्स बिफोर वी रीड द चैप्टर वी शुड नो अबाउट द की वर्ड्स मीन्स इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फर्स्ट वर्ड इज ग्रेप वाइन जी आर ए पी ई ग्रेप वी एन वाइन ग्रेप वाइन मीनिंग क्लाइंबिंग प्लांट ऑन विच ग्रेप्स ग्रो तो ग्रेप्स प्लांट को क्या बोलते हैं ग्रेप वाइन और वो किसी ट्री की हेल्प से क्लाइम करता है सो ग्रेप प्लांट इज वेरी वीक इट क्लाइम विद द सपोर्ट ऑफ अनदर प्लांट नेक्स्ट वर्ड इज बंच, बी यू एन सी एच बंच बी यू एन सी एच बंच मीनिंग नंबर ऑफ थिंग्स टूगेदर नंबर ऑफ थिंग्स टुगेदर किसी चीज को इकट्ठा कर देते हैं इकट्ठा हो जाता है एक साथ हो जाता, हु जाता हु है उसको बोलते हैं बंच एस वी कैन सी इन दिस पिक्चर मैनी ग्रीप्स आर टूगेदर एंड वी कॉल दिन बंच ऑफ ग्रीप्स तो बहुत सारे ग्रिप्स इकट्ठे होते हैं उनको क्या बोलते हैं बंच गुच्छा बोलते हैं हिंदी में नेक्स्ट वर्ड इज माउथ वाटरिंग एम ओ यू टी एच माउथ डब्ल्यू ए टी ई आर आई एन जी वॉटरिंग माउथ वाटरिंग मीनिंग वेरी टेस्टी तो कोई वेरी टेस्टी थिंग देखते हैं तो हमको माउथ में वॉटर आ जाता है सो वी कॉल्ड माउथ वाटरिंग नेक्स्ट वर्ड इज राइप आर आई पी राइप आर आई पी राइप मीनिंग फुल ग्रोन एंड रेडी टू बी ईटन पका हुआ हिंदी बोलते उसको नेक्स्ट वर्ड इज सावर टेस्ट लाइक लेमन और विनेगर तो लेमन कैसे होता है सार होता है नाउ रीड द स्टोरी इट वॉज अ हॉट समर आफ्टरनून अ फॉक्स वॉज वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट सो विच सीजन वॉज इट इट वॉज समर आफ्टरनून एंड फॉक्स वॉज वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट ऑफ फॉक्स फॉरेस्ट से वॉकिंग कर जा रही थी He was very hungry. So he was looking around for something to eat. So fox was hungry and he was looking for something to eat. The fox saw a grapevine. So what did the fox saw? He saw a grapevine. A bunch of grapes was hanging from the vine. So what was hanging from the vine? A bunch of grapes. We can see in the picture a bunch of grapes was hanging from the vine. The grapes looked mouth-watering, and grapes were looking very tasty. The grapes look ripe and sweet, said the fox. So fox said that grapes are very ripe and sweet. He wanted to eat the grapes, and what did fox wanted to do? He wanted to eat the grapes.

सो फॉक्स ट्राइ मेनी टाइम्स टू ग्रैप द ग्रेप्स फॉक्स ने बार बार जम्प किया ग्रेप्स को कैच करने के लिए बट द ग्रेप्स व जस्ट टू फार पर ग्रेप्स बहुत फार थे दूर थे ही गुडेंट रीच दैम एट ऑल एंड फॉक्स वॉज अनेबल टू रीच द ग्रेप्स और फॉक्स उनको नहीं पहुंच पाए आफ्टर समाइम द फॉक्स बिकेम टायर्ड एंड सैन तो कुछ देर बाद क्या हुआ फॉक्स टायर्ड और सैड हो गई सो ही सैन दीज ग्रेब्स मस्ट बी सोर तो उसने क्या बोला कि दीज ग्रेब्स कैसे होंगे साड़ होंगे द हंगरी फॉक्स सोन फॉर गॉड ऑल अबाउट द ग्रेब्स और हंगरी फॉक्स क्या हुआ कुछ देर बाद ग्रेब्स के बारे में सब कुछ भूल गई ही वेंट टू लुक फॉर समथिंग एल्स टू ईट और वो कुछ और खाने के लिए ढूंढने के लिए चलेगी मॉरल ऑफ द स्टोरी इट्स ईजी टू डिसलाइक वॉट यू कैनॉट हैव और स्टोरी का मॉरल क्या है कि जो हमको नहीं मिलता उसको हम डिसक करने लगते हैं सो डैट्स ऑल फॉर टूडे यू रीड द स्टोरी एंड सैंड द रिकॉर्डिंग